अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटन पाया रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे। इसमें हमने पाए को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले में आधा चम्मच काली मिर्च, दो तेज पत्ते, दो दालचीनी के टुकड़े, थोड़े से लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और एक पाव चम्मच जितना हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने पानी दो बड़े गिलास जितना डाला है। जब भी हम पाए बना रहे होते हैं तो हमेशा ये बात रहती है कि कहीं स्मेल ना हो, कहीं क्लीन ना हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है पाए क्लीनिंग का। तो आप ज़रूर उसे जाकर चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसको हम इसको ढक कर के दो से चार तक सीटी लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने पाए को अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दो बड़े से इसके टमाटर लिए हैं और थोड़ा सा मैंने आधा कप पाव जितना नारियल लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है और मैंने यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ते लिए हैं। इन सबको हमने पीस लेना है, इनका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज और धनिया पत्ते का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने दो मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है। और मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसको भी अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, पाव चम्मच जितनी हल्दी पाउडर डाली है, एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और सारे सूखे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें नारियल का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमने जो टमाटर का पेस्ट लिया हुआ था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर देखें, पाए हमारे अच्छे से गल चुके हैं। जो भी हमने खड़े मसाले लिए हैं वो हम निकाल लेंगे, वो सारा फ्लेवर इसमें आ चुका होगा तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें से सारे खड़े मसाले अलग कर लेंगे और फिर हम इसमें पाए को डाल देंगे। तो हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आप आपके ग्रेवी के हिसाब से डाल लें, मुझे तो इतना ही काफ़ी लग रहा है। तो अभी हम इसको ढक कर के 10 से 15 मिनट तक रख देंगे लो फ्लेम में, तो ये अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये अभी बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाकर देखें। थोड़े से मैंने यहाँ पर धनिया पत्ते और हरी मिर्चों को कट करके डाला है इस तरह से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ खाएँ। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।